2024 के पार्लियामानी इलेक्शन में पूर्वी दिल्ली के इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार कुलदीप का खूब खैर मकदम किया गया आज जाकिर नगर में। जाकिर नगर की कांग्रेस की टीम ने पुरजोश मुजाहरा किया जिसमें आम आदमी पार्टी के भी लीडरान थे और कांग्रेस के भी लीडरान थे, यानी पूरा इंडिया गठबंधन वहां मौजूद रहा। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह हुड़दंग मची हुई है कुलदीप जी को हार पहलाने के लिए। आइए जानते हैं क्या कहा कुलदीप जी ने। अब हमारे YouTube चैनल फ्रेंड्स मीडिया विजन को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज फ्रेंड्स मीडिया विजन को फॉलो करें। जितनी देर पे आ जाएगी, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे आ जाएगी तो हमारी आपसी लड़ाई अब बहुत दूर है। पहले देश का संविधान है, देश पहले हमारे जो पार्टियां बाद में, हम पार्टी लड़ाई लड़ने वाले लोग नहीं है, हम इस देश की हिम्मत की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने वाले लोग हैं। आज लड़ाई उन लोगों से है जो खुले मन से एक बात कहते हैं कि हमें 405 चाहिए, 405। इसने पूछा 405 करके क्या करोगे, कहते देश का संविधान बदलेंगे। वो देश का संविधान क्यों बदलना चाहते, वो देश का संविधान इसलिए बदलना चाहते क्योंकि ये देश का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा वो समानता की बात करता है, वो भाईचारे की बात करता है, वो देश की आधी आबादी एससी एसटी ओबीसी को मुख्य धारा में लाने की बात करता है, वो देश की आधी आबादी महिलाओं को वोट का अधिकार देने की बात करता है, समानता की बात करता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को भाई हमारा जो भी कर अच्छा रहेगा, भाई थोड़ा कमजोर है और वहां ज्यादा जाने भी आगे तक। तो मेरा आपसे कहना है कि आज ये चुनाव एक तरफ वो लोग है जो बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहते हैं और उन्होंने बात शुरू करी है संविधान बदलने की, लेकिन इस मंच से आज हम बैठे हम इंडिया गठबंधन के लोग, इस मंच से मैं कहना चाहता हूँ भाजपा ये तुम्हारी औकात नहीं है तुम संविधान बदल सको, तुम्हारी औकात नहीं है तुम संविधान बदल सको, लेकिन इस देश के लोगों की औकात है, इस देश के बाबा साहब को मानने वाले की औकात है, इस देश के लोग तुमने संविधान को मानने वाले की औकात है। तुमने संविधान बदलने की बात शुरू करी है, हमने तुम्हारी सरकार बदलने ली अपनी बारे में। अरे तुम क्या संविधान बदलोगे, अब की बार हम लोगों ने ठान लिया जिन्होंने संविधान बदलने की बात करी है उनकी सरकार बदलनी है, हम लोगों को ध्यान रखेगा हम तुम्हारी देश से। और ये बात कह के जा रहा हूं, ये तानाशाह लोगों की सरकार इस देश से अब की बार जाने वाली है, बता देता हूं। झूठ के नाम पे आए थे ये कहते थे तो हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार कहां चली गई, वो सरकार क्या वो सरकार का जुमले देखिए, सरकार आई थी 15-15 लाख अकाउंट में देंगे, किसी भाई के आए थे आज तक, किसी के अकाउंट में आए, किसी के अकाउंट में नहीं आए आज तक, झूठ बोल के लोग आए थे। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं, मैं चुनाव सांसद जरूर लड़ रहा हूं, मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, ये चुनाव कुलदीप कुमार पंचदानी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आम आदमी पार्टी कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस देश को बचाने का चुनाव है, मेरी बात समझ लेना इस बात को। और एक बात और कह रहा हूं, अगर अब की बात चूके और वोट देने नहीं गए तो समझ लेना क्या पता आखिरी बार वोट देने का दोबारा मौका नहीं मिले आप लोगों को वोट डालने का। ये लोग हमसे वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं, आपने देखा ना सूरत के अंदर लोगों के पास प्लास्टिक का वोटर कार्ड है, वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन वो वोट नहीं डाल सकते, समझ लेना ये तो केवल झांकी है। अभी पूरे देश में इस मॉडल को भारतीय जनता पार्टी को लागू करना है। मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं भाई, जो जो लोग इस देश से प्यार करते हैं, बाबा साहब के संविधान से प्यार करते हैं, वो सब लोग 25 मई को सुबह सुबह उठ के सबसे पहले वोट डाल के आना और ये कह के आना तो देश के संविधान को देश को बचाने की लड़ाई में हम सबसे आगे से लिए खड़े हुए, ये बात कह के आइएगा, मैं सबसे कहना चाहता हूँ। तो सब लोग 25 मई की तैयारी कर लीजिए। और मैं कह रहा हूं एक बात को से कि हम सब लोग अगर ये ध्यान लिया तो कोई औकात नहीं है कि हमें चुनाव भरा दे, बता देता हूं आप लोगों को। और जिस दिन मैं टिकट लेके आया था ना, जिस दिन इंडिया गठबंधन हुआ था, आप लोगों को बता रहा हूं एक बार, जिस दिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन दिल्ली में हुआ था चुनाव का मुस्लिम जीत चुके थे, बता दूं आप लोगों को ईमानदारी से। और जिस दिन इन्होंने केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया 2 लाख के लिए नोटिस लगे, उन लोगों को समझ लेना आपकी बात मेरी बात को। लेकिन हम लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत चोर लोग हैं, ये बहुत चालाक लोग हैं, ये चुनाव जीतने के लिए
कैसे बनाएंगे, ये पता नहीं क्या क्या जारी करेंगे, क्या क्या कहेंगे, क्योंकि इनको डर है कि इनकी सत्ता जा रही है, इनको डर है कि इनकी सीट जा रही है। ये डर घबरा के अंदर कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, हर व्यक्ति को अपना एक ही ध्यान रखना है, हमारा निशाना मछली की नाक है, बात समझना। हमें चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के लिए चंडीगढ़ का चुनाव हुआ तो पता है मेरे को, हमारे पास 20 सीटें थी इंडिया गठबंधन के पास और भाजपा के पास 16 सीटें थी। मैं डिबेट में था गौरव भाटिया के साथ, गौरव भाटिया ने कहा ये चुनाव चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव भाजपा का मेयर बनेगा। मैंने कहा ये कैसे बन जाएगा, तुम्हारी तो वहां 16 सीटें करने के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनेगा। मैंने कहा यार वैसे घूमता हुआ डिबेट में, दो दिन बाद पता लगा तो वहां भाजपा का मेयर बन गया। लेकिन वहां इनको पता नहीं था चुनाव इंडिया गठबंधन का था, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गेल रही थी। ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए और ऐसा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह पे मारा भारतीय जनता पार्टी के। मैंने कहा कि 20 वाला बड़ा होता है, इनको समझ में नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अनपढ़ो, 16 वाला बड़ा नहीं होता, 20 वाला बड़ा होता है, बात समझ। और वहां मेयर कौन बना बताओ मेरे को, चंडीगढ़ में मेयर बना इंडिया गठबंधन का और उसका नाम था कुलदीप कुमार। आप लोगों को बता दूंगा, अगर आप लोगों ने वोटों की चोरी रखी ना तो जिम्मेदारी से कह रहे हो, यहाँ भी सांसद आपका भाई आपका बेटा आप लोग सांसद बनोगे, ये आपको कहते जा रहा हूं आज की बात। बस अपना अपना नाम नोटिफिकेशन चेक कर लेना, अपनी अपनी पर्ची निकाल लेना, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, फटाफट मोबाइल पर जाओ, बिल्कुल देरी मत करना, आपके लिए पर्ची मांग रहे कौन आएगा कौन नहीं आएगा। और जितने कार्यकर्ता खड़े हैं, मैं सबसे कह रहा हूँ भाई, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, समाजवादी के, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो अपने लोगों की वोटर की पर्चियां मोबाइल से निकाल निकाल के दे, पर्चियां देने का काम करे, ताकि वोट डाल के हमारे लोग आ सके, उनको बताने का काम करे कि ईवीएम मशीन में हाथ का निशान नहीं होगा आपकी बार। ये भी बता दे आपकी बार झाड़ू का निशान होगा इस दिल्ली में, नॉर्थ की शहर में तो झाड़ू का निशान नहीं होगा, हाथ का निशान होगा। ये बात भी समझानी है अपने लोगों को और सबको लेके पोलिंग बूथ पे। हमारा मेन चुनाव की लड़ाई चुनाव के दिन वोट डलवाने की लड़ाई है, अगर वो लड़ाई हम जीत गए तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती है। और आज यहाँ पर इतनी बढ़िया बैठक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या गठबंधन की हुई है, मैं प्रदेश हाशमी साहब को, संदीप भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतनी शानदार बैठक आज यहाँ पर करी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज से हमारे यहाँ जितने भी लोग मौजूद है, आज से सब लोग हमारे दानिश भाई यहाँ मौजूद है, मैं इनको कहता हूँ आप दानिश भाई जिम्मेदारी आगे पूरी ले और एक व्यक्ति को एक कार्यकर्ता को पर्ची बांटने पे लगाए। कोई गांव जा रहा है तो उससे कहना भाई चुनाव के बाद चले जाना, वोट डाल के जाना, अपना गर्मी बहुत ज्यादा होगी, बता दू गर्मी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन ये समझ लेना आपका अगर उस गर्मी में एक फूट पसीना भरेगा तो इस देश के लोकतंत्र को बचाने के काम आएगा। ये बात समझ लेना मेरी बात को, ये बात इनको समझ लेना। तो सब लोग तैयार है करने के लिए, कौन कौन लोग तैयार, संदीप भाई को बता देना, समझ लेना कौन कौन तैयार है, आप खड़े करके बताओ कौन कौन तैयार है, सब लोग तैयार है।